भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल एक वीडियो की, जिसमें संभव अभियान के बारे में जो भी दिशा निर्देश आपके उत्तर प्रदेश शासन से जारी हुए हैं, अनामिका सिंह जी सचिव हैं, उनका ही ये आदेश है जिसको उन्होंने समस्त मंडलायुक्तों को और समस्त जिलाधिकारियों को उत्तर प्रदेश में भेजा है 22 जून को। इस आदेश के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सब भाई बहन वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर में आपको क्या काम कैसे काम करने हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, वीडियो को पूरा देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में कुछ महीनों में आपको काम करने में मदद करेंगी। अब संभव अभियान के बारे में आपको बताते हैं, इसमें क्या क्या विभाग ने अपने भेजे गए इस आदेश में कहा है। इसमें लिखा गया है कि हमारे प्रदेश के बच्चों के बेहतर भविष्य और अधिक समृद्ध समाज के लिए पोषण अत्यंत आवश्यक है। शिशु और बाल मृत्यु में वृद्धि का एक प्रमुख कारण मातृ एवं शिशु कुपोषण है। कुपोषण की रोकथाम में सबसे बड़ी चुनौती समाज, परिवार एवं व्यक्ति के स्तर पर पोषण संबंधी मौजूदा व्यवहारों, धारणाओं, मिथकों में परिवर्तन लाना है। इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष विभाग के द्वारा संभव अभियान एक नवाचार के रूप में प्रारंभ किया गया था, जिसमें विशेष रूप से सीवियर एक्टिव यहां पर माल न्यूट्रिशियन सैम एवं मॉडरेट जो है यहां पर एक्टिव माल न्यूट्रिशियन मैम से ग्रसित बच्चों का सही चिन्हांकन, उपचार, संदर्भन और सामुदायिक स्तर पर उनके प्रबंधन के साथ साथ कुपोषण की रोकथाम के लिए सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया गया था। इस अभियान की सफलता एवं इससे प्राप्त लर्निंग्स के आधार पर 2022 में 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक संभव अभियान का पुनः यानी दोबारा से आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान का विस्तृत जो है कॉन्सेप्ट नोट संलग्नक 1 के रूप में आपको दिया जा रहा है, अभी हम उस पर भी बात करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं लिखा है, इस अभियान में कुपोषित, सैम मैम, गंभीर अल्प वजन वाले, इस तरह के जो भी सब हैं, इनके चिन्हांकन, संदर्भन, उपचार और प्रबंधन के बारे में बचाव के लिए बता रहे हैं। कुपोषण से बचाव के लिए सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर मासिक थीम जो है यहाँ पर आ गई है, अभी हम उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं जुलाई में आपको कैसे और क्या क्या काम देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जुलाई 2022 के लिए है, जिसमें स्तनपान प्रोत्साहन पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ जुलाई 2022 स्तनपान प्रोत्साहन। तो यहाँ पर आपको बता दें प्रथम जो सप्ताह आप देख रहे हैं इसमें गर्भावस्था के आखिरी त्रैमास में स्तनपान को प्रोत्साहन देने के बारे में है। द्वितीय सप्ताह जन्म के समय कम वजन के बच्चों की देखभाल का है और तृतीय सप्ताह कंगारू मदर केयर का है और चतुर्थ जो सप्ताह है स्तनपान तकनीकी जुड़ाव एवं स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया जुलाई का मैटर। वहीं पर आपको अगस्त के बारे में बता दें तो अगस्त में ऊपरी आहार के बारे में बताया जाएगा, सही समय पर शुरुआत कब करनी है, सही समय पर सही जो है तरीके से और भोजन की मात्रा और विविधता के बारे में है तृतीय में, और चतुर्थ में बीमार बच्चों का इससे जुड़ा हुआ यहां पर मैटर है। तो यहां पर देखिएगा सही समय पर सही भोजन है द्वितीय सप्ताह में और भोजन की मात्रा एवं विविधता ये आपका इसमें है, और चतुर्थ में बीमार बच्चों का उनका भोजन कैसा होना चाहिए वहां पर उसके बारे में है। तो इस तरह से आपका सितंबर हो जाएगा और फिर जो यानी अगस्त हो जाएगा, फिर आएगा आपका सितंबर। सितंबर में प्रथम सप्ताह में दस्त से बचाव और प्रबंधन के बारे में रहेगा, द्वितीय सप्ताह में साफ सफाई और स्वच्छता का पोषण के महत्व के बारे में रहेगा और तृतीय सप्ताह में छोटे बच्चों में एनीमिया व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा दान रहेगा और चतुर्थ में वजन सप्ताह रहेगा। इस तरह से नीचे विभाग ने यह भी दे दिया है, ध्यान देना कि भारत सरकार के पोषण माह के दिशा निर्देशों के अनुसार इस माह की गतिविधियों में परिवर्तन हो सकता है, तो हो सकता है इसमें आपको परिवर्तन भी देखने को आगे मिल जाए। अभी आगे चलते हैं और इसमें क्या है, मुख्य अभियान के रूप में वहां पर आयोजन के उपरांत निम्न गतिविधियों का आयोजन जो है किए जाएंगे, जिनमें से पहला है 2 अक्टूबर 2022
तो अभियान में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा बाल विकास विभाग के न्यूनतम 6 अधिकारी फील्ड लेवल वर्कर, कन्वर्जेंस विभागों के न्यूनतम 3 अधिकारी फील्ड लेवल वर्कर को प्रस्तावित पत्र उनको यानी प्रशस्ति पत्र सॉरी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अभियान चलेगा जुलाई अगस्त सितंबर में, जिसका वहां पर अच्छा जो है देखने को सराहनीय कार्य मिलेगा, उसको 2 अक्टूबर को वहां पर जो है इस तरह से प्रशस्ति पत्र फिर बाद में अक्टूबर में बांटे जाएंगे। अब आगे है दिनांक 9 से 22 अक्टूबर विभाग के द्वारा बाहरी एजेंसी के माध्यम से अभियान के दौरान की गई गतिविधियों का मूल्यांकन भी करवाया जाएगा। वहीं तीसरा है 1 से 15 दिसंबर के बारे में बाहरी एजेंसियों के द्वारा किए गए मूल्यांकन और गैप जो है असेसमेंट के आधार पर अभियान के दौरान छूटे हुए लाभार्थियों के चिन्हांकन के लिए कार्ययोजना बनाकर मॉपअप राउंड का आयोजन किया जाएगा। संभव अभियान के पूर्व एवं अभियान के दौरान अपेक्षित कार्रवाई निम्नवत है, तो आइए कार्रवाई पर भी एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है 20 से 25 जून को क्या होगा, तो अभी तो 25 जून आज आपका लास्ट है, कार्य जो है कार्यों को जो यानी कार्य योजना निर्माण व प्रशिक्षण रहेगा अभी जो भी है वो यहाँ पर माइक्रो प्लानिंग तैयार करके संभव अभियान से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर प्रशिक्षण टाइप के हैं वो सब करवाए जा रहे हैं, ये आपका 25 तक हो जाएगा। साथ ही फिर इनका आगे क्या है 25 से 30 जून जो कि आगे कल से शुरू होगा वजन सप्ताह का आयोजन आपका होने वाला है बहनों, तो आप लोग ध्यान देना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल से 30 तारीख तक जो है वजन सप्ताह का आयोजन होगा जिसमें अभियान के जो है पूर्व एक बेसलाइन डेटा जो है तैयार होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर वजन सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन और लंबाई ऊंचाई ये सब जो है माप की जाएगी, उसकी फीडिंग पोषण ट्रैकर में की जाएगी। जो भी आप वजन लेंगी अगले 5 दिनों में 26, 27, 28, 29, 30 में उसको आप पोषण ट्रैकर पर फीड करेंगी, इस तरह से ये डेटा जो है बेस लेवल पर तैयार हो जाएगा। साथ ही देखिएगा यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित रहकर के कार्यकर्ती का मोबिलाइजेशन एवं बच्चों की लंबाई ऊंचाई का सही मापअप वगैरह सहयोग करेंगे सभी डेवलपमेंट जो भी पार्टनर्स होंगे वो सब। अब फिर देखिए 1 जुलाई से क्या होगा, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक संभव अभियान का क्रियान्वयन होगा, मासिक एवं साप्ताहिक थीम के आधार पर गतिविधियों का आयोजन वहां पर किया जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वजन सप्ताह में चिन्हित जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी सूचीबद्ध करके गृह भ्रमण, मासिक स्वास्थ्य जांच, चिकित्सीय प्रबंधन, संदर्भन गतिविधियां ये सब उनके वहां घर घर आयोजित कराई जाएंगी। विभागों द्वारा कुपोषण की रोकथाम के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने के बारे में भी गतिविधियों का आयोजन करवाया जाएगा। वहीं 25 से 30 सितंबर में वजन सप्ताह का आयोजन होगा, लास्ट में सितंबर में ध्यान देना 25 से 30 सितंबर में जो है वजन सप्ताह फिर से दोबारा होगा, अभी तो जून में हो रहा है 25 से 30 फिर सितंबर में भी होगा 25 से 30 अभी जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है ताकि जुलाई और अगस्त और सितंबर के 25 के पहले तक आप जो भी प्रयास करेंगी घर घर जाकर के फिर उनमें देखेंगे क्या बदलाव 3 महीनों में उसमें आया है। तो अभियान से पूर्व वजन सप्ताह के माध्यम से प्राप्त बेसलाइन के आधार पर पुनः वजन होगा और उसका आयोजन करके सुधार का आकलन किया जाएगा कि कितना आपने प्रयास किया और कितना उसमें सुधार हुआ। फिर संभव अभियान की रणनीति के बारे में लिखा हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की क्या भूमिका है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वजन सप्ताह में चिन्हांकन के उपरांत सैम मैम, गंभीर अल्प वजन, इन सबको नामवार इनकी सूची आशा और एएनएम ग्राम प्रधान संबंधित कन्वर्जेंस विभागों के साथ साझा करेंगी आंगनबाड़ी बहने। तो आप सबको पता है वजन वगैरह ये सब कैसे क्या किया जाता है, संभव अभियान भी आपने मनाए हैं। अब कार्यकर्ती द्वारा ग्राम प्रधान और गाँव के अन्य जो सक्रिय सदस्य हैं जैसे आशा है, स्वयं सहायता समूह वाले हैं, शिक्षक हैं, इनके साथ में मिलकर के जुलाई से सितंबर तक कार्ययोजना बनाई जाएगी और कार्ययोजना में पोषण उत्सव, पोषण चौपाल, पोषण पंचायत जैसी गतिविधियों का वहां पर उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो इस तरह से चीजें चलेंगी। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा कुपोषित बच्चों के यहाँ किए जाने वाले साप्ताहिक गृह भ्रमण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी के लिए गृह भ्रमण चेकलिस्ट भी संलग्न करेंगी। तो ये सब चीजें हैं जो कि लिखा है, नवजात शिशु के जन्म के प्रथम माह में 4 साप्ताहिक गृह भ्रमण करते हुए कार्यकर्ती उनका वजन भी लेंगी और जो है भ्रमण आशा के साथ में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो आंगनबाड़ी के साथ में आशा भी गृह भ्रमण के लिए जाएंगी। और यहाँ पर लिखा है, यदि किसी बच्चे का वजन कम है अथवा गिरता हुआ प्रतीत होता है तो तुरंत स्तनपान संबंधी व्यवहार की विस्तृत जानकारी उनको देंगी, आवश्यकता अनुसार कार्रवाई भी करेंगी। अब बाकी आगे यहाँ पर दिया गया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे भी ऐसे जो है मानक दिए हैं, मानी स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं और आप सबको ये सब बारे में पता भी है। बाकी स्वयं सहायता समूह अथवा अन्य माताओं के साथ में मिलकर रेसिपी की प्रतियोगिता का भी आयोजन वगैरह समूह वाली भी बहने करेंगी, इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर दिए जा रहे हैं। वहीं पर आगे मुख्य सेविका की भी भूमिका लिखी है यानी आपकी सुपरवाइजर की, तो इनको हम इससे ना बता करके आपको कम शब्दों में हम बताते हैं जो अभी हरदोई जिले में DPO ने इसी संबंध में एक लेटर जारी किया है। अभी ये देखिए विभिन्न सहयोगी विभागों की भूमिका भी है जिनमें स्वास्थ्य विभाग की ये भूमिका रहेगी
जिसमें ये सब उन्होंने लिखा है। साथ ही पंचायती राज विभाग की ये भूमिका है, लिखा है देखो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में कि जन्म के समय कम वजन, लो बर्थ वेट, 2.5 किलोग्राम से कम वजन के नवजात शिशुओं की सूची आशा और आंगनबाड़ी के साथ में साझा करना है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है, जो भी बच्चे पैदा होते हैं अगर उनका वजन जन्म के समय कम है तो यहाँ पर उन सबकी सूची भी बना लेनी है। ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है। बाकी यहाँ पर ट्रिपल ए लिखा है कि एएनएम, आंगनबाड़ी और आशा इनके द्वारा जो है पोषण पर जन जागरूकता के लिए, पोषण साक्षरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों का सहयोग यहाँ पे करना है। तो आंगनबाड़ी, एएनएम और आशा, ये देखो तीनों बहनें जो हैं सबका ए से ही नाम शुरू होता है, इसीलिए ये नाम ट्रिपल ए के नाम से जो है मशहूर है। पंचायती राज विभाग आप देख रहे हैं, ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा और गाँव के अन्य सक्रिय सदस्य और रोजगार वाले, सेवक वाले, पंचायत सचिव, स्वयं सहायता समूह, शिक्षक वाले, ये सब ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गांव की जुलाई से सितंबर तक कार्ययोजना बनवाएंगे और वही प्रचार प्रसार, जन जागरूकता, यही सब कार्यक्रम करवाए जाएंगे इसी अभियान से जुड़े हुए। ऐसे ही ग्राम विकास विभाग का भी है, मनरेगा का भी उत्तरदायित्व है और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का भी है, शिक्षा विभाग का भी है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं खाद्य एवं रसद विभाग का भी है, पशुपालन विभाग का भी है और उद्यान विभाग का भी है। उद्यान विभाग क्या करेगा, पोषण वाटिकाओं पर जोर देगा। पशुपालन विभाग क्या करेगा कि दूध के उत्पादन पर जो है जोर देगा कि बच्चों को ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए, जो है पोल्ट्री से जोड़ना चाहिए इस तरह से। खाद्य रसद विभाग क्या करेगा, अच्छी गुणवत्ता का जो भी खाद्य सामग्री है वो खाएं पिए। शिक्षा विभाग क्या करेगा कि जागरूक हों, शिक्षित हों, छात्रों को साप्ताहिक आयरन छमाही, जो यहाँ पर वार्मिंग की गोली, ये सब वहां पर उनके माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी और दी जाएंगी। इस तरह से सभी विभागों का अपना अपना काम दे दिया गया है जिनमें आयुष विभाग भी शामिल है। आयुष विभाग क्या करेगा, एनीमिया से बचाव के लिए औषधि पौधों के बारे में जागरूकता देगा, इस तरह से जो है पोषण वाटिका की स्थापना में भी सहयोग करवाएगा। ये सब चीजें दी हैं। संभव अभियान की जागरूकता के लिए गतिविधियां भी यहां पर आ चुकी हैं। तो मासिक थीम आधारित पोषण पाठशाला का आयोजन होगा, अगस्त माह में जो है पोषण चौपाल का आयोजन होगा और सितंबर माह में सुपोषण दिवस व पोषण उत्सव के रूप में आयोजन होंगे और बाकी पोषण पंचायत का भी आयोजन होगा, मासिक थीम आधारित गृह भ्रमण भी कराए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर सारे काम आपको देखने को इसमें मिलेंगे। अनुश्रवण और रिपोर्टिंग का भी काम देखने को आपको मिलेगा जिसमें आप देख रहे हैं पोषण ट्रैकर पर आप लोगों को फीडिंग वीडिंग कराई जाएंगी, मासिक एमपीआर उसमें सब जो है लेखा जोखा सब जाएगा। इस तरह से सारी सूचनाएं हैं जिनको आप लोगों को आगे प्रेषित करना पड़ेगा। एमपीआर की सूचना प्रत्येक दशा में अगली माह की 5 तारीख तक भेजा जाना अनिवार्य होगा, ये भी इसमें ये बोल रहे हैं। साथ ही हम इन चीजों को देखो छोड़ते हैं पीछे और आपको ले चलते हैं थोड़ा और आगे। ये लेटर को हम यहीं छोड़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं हरदोई में डीपीओ महोदय ने, ये बुद्धि मिश्रा जी ने 24 जून को लेटर अपने यहां निकाला है। अभी-अभी संभव अभियान का ही यही लेटर है और यही सेम टू सेम इसमें भी काम है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो भी प्रथम द्वितीय सप्ताह, ये हर देखो चारों चारों सप्ताह है हर महीने के, जुलाई के और ये अगस्त के और ये सितंबर के। अब ये हो गए सो हो गए, हम आपको बताने वाले हैं कि आंगनबाड़ी का काम क्या है। इनमें कम शब्दों में उन्होंने लिखा है कि 25 सितंबर से 30 सितंबर तक अभियान से पूर्व वजन सप्ताह के जो है माध्यम से प्राप्त बेसलाइन के आधार पर पुनः वजन सप्ताह का आयोजन करके सुधार आकलन किया जाएगा। तो अभी आपका 25 जून से हो रहा है, 25 जून से 30 जून तक, और उसके बाद में कब होगा, 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपका वजन सप्ताह मनाया जाएगा। बच्चों का वजन आप सब बहनें लेंगी, ये आंगनबाड़ी बहनों आपको ध्यान रखना है। संभव अभियान की अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा गृह भ्रमण, सामुदायिक गतिविधियां, इनके दौरान उपरोक्त आधारित थीम के आधार पर जो है यहाँ पर सब कुछ गतिविधियां और परामर्श वगैरह सब आयोजन करके दिए जाएंगे। अब मुख्य सेविका के दायित्व यहाँ पे दिए हैं कि मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्र का जो है पर्यवेक्षण करते हुए 30 जून तक समस्त बच्चों की जो ऊंचाई लंबाई है पोषण ट्रैकर पर फीड करवाएं, बेसलाइन डाटा के रूप में इसको प्रयुक्त किया जाएगा। चिन्हित कुपोषित बच्चे और अति कुपोषित बच्चों की चिकित्सीय सहायता, पोषण पुनर्वास केंद्र, इनमें भर्ती कराना, विभिन्न एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को वहां पर मार्गदर्शन भी सुपरवाइजर करेंगी, ये सुपरवाइजर के दायित्व हो गए। वहीं पर बाल विकास परियोजना यानी सीडीपीओ के भी दायित्व यहां पर लिख दिए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मुख्य सेविका के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप पर प्रति माह बच्चों का वजन और ऊंचाई फीड करवा करके उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का पर्यवेक्षण का कार्य पूरा करेंगे सीडीपीओ लोग और सहयोग भी इस काम में प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह के अंत में संलग्न प्रारूप पर सूचना भी प्राप्त करेंगे यानी प्रस्तुत करेंगे। ऊपर बुद्धि मिश्रा जी डीपीओ है, उनका एक लेटर जारी हुआ था जिसके आधार पर आपको बताया। साथ ही साथ ये हैं गजलाबेन हरदोई से, वहां से उन्होंने जानकारी भेजी थी। और ये देखिए गाजीपुर में भी डीपीओ महोदय ने इसी संबंध में लेटर 23 जून को जारी किया है, संभव अभियान से जुड़ा हुआ। अब ये चीजें जो थी, जो भी थी संभव अभियान की, वो आपको पता चल गई हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में शाम को अन्य तमाम बड़ी खबरों के साथ मिलेंगे क्योंकि